प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी कुलदीप पठानिया ने तंज कसा है और जनमंच कार्यक्रम को केवल मात्र मोदी का गुणगान करार दिया है। पठानिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 साल पहले केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी, लेकिन इतने सालों में केवल वायदे ही किए गए। पठानिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुए प्रशासन जनता के द्वार को बदलकर जनमंच रखा है, लेकिन इस कार्यक्रम से भी जनता की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने जनमंच कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम केवल मात्र लोकसभा चुनावों को लेकर शोषा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ही जनता को गुमराह करने के लिए यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 सालों में सांसद ने कोई विकास नहीं करवाया है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लेकिन मोदी सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन केंद्र सरकार जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है। ये जो जनमंच है, मेरे को लगता है कि ये चुनाव तक चला है इनका, और जनमंच के माध्यम से गुणगान ज्यादा है और लोगों की समस्याओं पर ध्यान कम है। जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनकी बजाय जो गुणगान है मोदी जी का या जयराम जी का, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि ये जनमंच नाम बदला है, लेकिन कांग्रेस के टाइम भी सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम होता था, जिसके तहत लोगों की समस्या को जाना जाता था और प्रशासन मौके पर हल करता था। और आज जो है सिर्फ गुणगान है, लोगों की समस्याओं में कम ध्यान है। क्योंकि जो लोकसभा के चुनावों के नजदीक आके उन्होंने शुरू किए हैं, सबसे पहले बात यह है कि ये जो है वो जनमंच वहाँ तक ही चलेगा जब तक लोकसभा के चुनाव हैं। आज इनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चुनावों को देखते ही इन्होंने शुरू की हैं, और चुनावों के बाद वो लगता है कि नहीं चलेगी ना, ख़त्म हो जाएगी। फिर 4.5 साल तक क्या करते रहे? 4.5 साल पहले वो भी सरकार केंद्र में बनी थी, जिन मुद्दों को जिन वायदों के ऊपर ही बनी थी, उनमें तो कहीं किसी पे काम ही नहीं होता है और ना किसी पे चर्चा होती है। जैसे कोई इन्होंने चुनावों के वक्त चर्चा ही नहीं की। अगर बीजेपी वाले उस वक्त के चुनावों की रैलियों के अपने भाषण पढ़ें या सुने, तो उनको भी पता लग जाएगा कि हमने लोगों से क्या वायदे किए थे और हो क्या रहा है। आज देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है, अभी तक भी पता लग रहा है। हर आदमी को उलझाया हुआ है, धर्म में उलझाया हुआ है, जाति में उलझाया हुआ है, ऊपर और नीचे उलझाया हुआ है, रिजर्वेशन में उलझाया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं सिर्फ चुनावों के वक्त लोग इनकी कारगुजारी को ना पूछते हुए अपनी उलझनों में फंसे रहे और हमारे वोट दे रहे हम दोबारा जीत जाए, बस ये इनका मेन प्रोग्राम है, चलाया जा रही है 15 साल से। अनुराग जी ने कोई नहीं याद आए दोबारा आदमी अब लगे आना सेम ही रहे चुनावों को। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इन्होंने चुनावों को ध्यान में रखते हुए की है कि जब हमारे टाइम में पैसे का जो रुपए की जो कीमत घटी थी, तो उस वक्त मोदी जी ने मनमोहन सिंह को बोला था कि इनकी उम्र के आगे हो जाएगा पैसा। आज मोदी जी आपकी उम्र से ज़्यादा हो गया रुपया डॉलर के मुकाबले में, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और इनके ही नीतियों के कई लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पैसा कम हो जाए तो हमारी ज़्यादा बिजनेस होगा। तो इनके विरोधाभास से और इनके जो कारगुजारी से ही लगता है कि अभी लोगों को और समस्या से उलझना पड़ेगा, और ज़्यादा महंगाई होगी और लोगों को तंगदारी होगी,